Good morning, students. I hope you watched my previous video and you understand the oscillation and induction very well, and you have solved the questions which I have given you in the group. Now I am going to discuss an important topic, that is coherence and rigidity. This is the last topic of the chapter. After this topic, you have to give answer of the questions which in NCERT yeah exercise. So firstly, I will discuss corrosion. So what is the corrosion? Corrosion का मतलब समझें, corrosion जो है कैसा होता है, जैसे कि मेटल हमने कई सारे देखे हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, या फिर कॉपर हो गया, इसके वायर वगैरह बनते हैं. तो मेटल क्या होता है, ये कुछ समय बाद, जैसे कि अगर हमारे यहाँ कभी बाहर लोहे का गेट लगा है, आयरन का गेट लगा हुआ है, तो क्या होता है, उसमें देखते हैं ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है. तो ब्राउन कलर की ये लेयर क्या होती है, और उसके बाद अगर हम ऐसे ही बारिश होती रहे, बारिश में इसको हम लोहे को रख दें, तो कई साल में, एक साल, दो साल, चार साल बाद देखेंगे, तो लोहे जो होता है उसमें बहुत ही हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है. अगर उसको हम एक हाथ से ऐसे ही मारेंगे तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है. तो उसमें मेटल क्रोड हो गया, मेटल क्या मतलब हो गया, उसमें मेटल जो हो गया वो खराब हो गया, यानी कि वो मेटल जो था, इतना मोटी लेयर थी, वो धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, खराब हो गया. तो अब मेटल में बैक्टीरिया तो था नहीं जो मेटल के अंदर खराब हो गया आगे. तो इसमें होता क्या है, जो मेटल होता है हमारा, कोई भी मेटल हो, सबसे पहले मॉइस्ट से रिएक्शन करता है. मॉइस्ट का मतलब है वाटर से, जो भी हमारे एयर में वाटर प्रेजेंस होता है ये उसको एब्जॉर्ब करता है. अगर डायरेक्ट वाटर मिल रहा है तो उसको तो एब्जॉर्ब करता है, ये मॉइस्ट एयर से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद जो हमारे सराउंडिंग एयर है उससे कंबाइंड होकर ये एक सब्सटेंस बनाता है, जिसको बोलते हैं हम रस्ट. उस रस्ट जो प्रोसेस है, सब्सटेंस बनाता है, कोई मेटल सब्सटेंस बनाया रस्ट, वो प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन. तो कोरोजन क्या है हमारा, कोरोजन क्या है, ये पहले तो सब इसकी प्रोसेस बता रहा है. जैसे कि हमने आयरन लिया है, तो ये आयरन क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इसने बना लिया Fe2O3 बना लिया. पहले सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन कर लिया, तो इसको बैलेंस भी कर लिया आपने, इसको 2 कर दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर दिया. उसके बाद जब ये आयरन ऑक्साइड बनने के बाद ये वाटर से रिएक्शन करेगा. अब वाटर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 10, 20, 50, जितने सराउंडिंग्स में होंगे सभी वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं X. X का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया. तो ये बन गया Fe2O3.XH2O. ये हमारी रस्ट है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. जो रस्ट हो गया, ये हमारा मेटल रस्ट लगने से मेटल कोरोड हो गया. क्रोड का मतलब हो गया और डीके हो गया है, मेटल कम हो जाता है, इसका वेट कम हो जाता है जब रस्ट लग जाती है, तो इसलिए इसको कोरोजन बोला जाता है. ये धीरे धीरे जब रस्ट लगती रहती है तो मेटल यहाँ से किसमें चेंज हो रहा है, रस्ट में चेंज हो रहा है, तो मेटल डीके हो रहा है. तो कोरोजन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच मेटल इज कोरोड इज कॉल्ड कोरोजन. मेटल कोरोड होने का मतलब है वो मेटल रस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इसी तरह से और भी डिफरेंट, जैसे सिल्वर कलर है उसमें ब्लैक हो जाता है. हर एक मेटल में जो कोरोजन है वो डिफरेंट टाइप में होता है. हर एक कोरोजन को हम रस्ट नहीं बोल सकते हैं, केवल मेटल कोरोड हो जाता है ये बोल सकते हैं. तो जो मेटल का कोरोजन है, इसको रोकने के लिए कुछ हम यूज करते हैं, जैसे आयरन के आर्टिकल्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर पेंट वगैरह करते हैं, इसको कवर करने के लिए, ताकि जो है ये किससे रिएक्शन ना करे, एयर से रिएक्शन ना करे. पहले तो ये एयर से रिएक्शन ना करे, फिर इससे वाटर भी रिएक्शन ना कर पाए, तो इसलिए इसको भी एक लेयर चढ़ाई जाती है. इसी में एक वर्ड इसमें आता है, गैल्वनाइजेशन क्या होता है. तो जिंक की कोटिंग जो होती है, ये अगर आयरन पे जिंक की कोटिंग अगर चढ़ा दें तो आयरन पे इसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. तो ये हमारा कोरोजन हो गया. तो अब इसी में हम देखते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है. तो रेंसिडिटी, तो इसके बाद रेंसिडिटी बताने आ रहे हैं, रेंसिडिटी क्या होती है. जैसे कि घरों में हमने देखा होगा कि अगर हमारे यहाँ फूड रखा हुआ है, तो फूड क्या हो जाता है, कुछ समय बाद स्पॉइल हो जाता है.
अगर उसको कई दिनों तक रखते हैं तो बहुत ज्यादा बैड स्मेल टाइप की आने लगती है। तो जो फूड स्पॉइल हो जाता है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी है दोनों प्रोसेस के नेम है, यानी कि फूड फूड जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब हो गया खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, वो खराब हो जाता है। तो फूड खराब कैसे हो जाता है, उसके बाद हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, जो क्रैकर्स सॉरी वो जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें वो बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या उनमें होता है जो खराब नहीं होता, ऐसा क्या फूड में होता है जो फूड जल्दी से खराब हो जाता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम जो रेंसिडिटी को पहले हम बता रहे हैं इस टर्म के, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। तो ये फूड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन फूड बिकम्स रेंसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। जो फूड है हमारा एयर की प्रेजेंस में रेंसिड हो जाता है, एयर ऑक्सीडाइज होकर रेंसिड हो जाता है। जब रेंसिड हो जाता है तो उसको वो रेंसिड मतलब स्पॉइल हो जाता है, उस प्रोसेस को हमने बोला रेंसिडिटी। तो अब इसको रोकने के लिए भी हमें कुछ उपाय किए जाते हैं। उस जैसे कि क्या किया जाता है, जो उसमें होता है उसमें नाइट्रोजन वगैरह फिल कर दी जाती है। तो जो नाइट्रोजन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब उसको ऑक्सीडेशन से रोकती है। तो हमारे पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रोकते हैं। उसके वैसे दो एग्जाम्पल हमें और याद रखने हैं, BHA और BHT। ये हालांकि जो ए और टी है, ये जो BHT है इसका पूरा नाम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है। ये हालांकि 12th में आपको इसके स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको केवल ये याद रखना है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है उनके नेम क्या है। तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरे हमें BHA और BHT भी याद रखना है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच स्टॉप द ऑक्सीडेशन इन द सब्सटेंस, या जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। ऑक्सीडेशन को क्यों रोकते हैं, कि ताकि फूड स्पॉइल ना हो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा रोकते रहेंगे, तो उसकी कुछ एक लिमिट होती है जिसके लिमिट तक ही रोक सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फूड होता है वो रेफ्रिजरेटर में स्पॉइल नहीं होता है, तो इसके लिए हम उसको फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद भी रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसा इसलिए कि जो फूड होता है उसको कुछ समय के लिए ही वो ऑक्सीडेशन उसका रोक पाता है, परमानेंट ऑक्सीडेशन उसका रोक नहीं सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए ऑक्सीडेशन को रोकता है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फूड स्पॉइल हो जाता है। तो रेंसिडिटी क्या हुआ, रेंसिडिटी हुआ जब व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन फूड बिकम्स रेंसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो वो हमारा रेंसिडिटी हो गया। इसमें हमें लिखना है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द रेंसिडिटी। एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और उसके बाद BHA और BHT। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि जो गैस है, बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस ही क्यों यूज की जाती है, और भी इनर्ट गैसें हैं। तो पहले तो ये बताया कि नाइट्रोजन गैस इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती है। तो हमारे दिमाग में बहुत, और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन के अलावा भी हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इतनी सारी इनर्ट गैसें हैं, उनका यूज क्यों नहीं किया जाता है। तो पहले तो ये चीज रख, जो हम यूज करते हैं उस इस वो गैस यूज करते हैं जिसका जो हमारा कॉस्ट है उसकी कम आए। अब पता चले चिप्स 5 का है, उसमें हमने उसमें जो गैस भरी है वो 100 रुपए की गैस भर दी है, चिप्स हमारा हो गया 105 रुपीज का, तो अब कौन खरीदेगा। तो नाइट्रोजन क्या है, ये एटमोसफेयर में बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, 78% इसका कंपोजिशन है। तो आसानी से इसको इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट करके इसको उसमें फिल कर दिया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, ये हमारी कॉस्टली नहीं होती है, ये बहुत ही चीप होती है, इसलिए इसको हम उस पैकेट में भर देते हैं। तो इसलिए और किसी इनर्ट गैस का हम यूज नहीं करते हैं, केवल नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ये आपने देखा कोरोजन और रेंसिडिटी। तो पूरा चैप्टर इससे पूरा खत्म हो गया है, इससे रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चन देंगे। जैसे ही इसके रिलेटेड आपको कौन से हो गए, तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया व्हाट इज कोरोजन, दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हाट इज रेंसिडिटी, फिर इसमें क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद क्वेश्चन आया कि व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन बताया था कि जिंक की कोटिंग होती है वो आयरन पर, उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, जो आयरन का है इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, जब जंग लग जाती है, आप कभी जंग देखना उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है।
इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो यही क्वेश्चन आपको लिखने हैं और सॉल्व करके हमको भेजने हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।